एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। सुबह उठते साथ ही आप कुछ करें या ना करें, एक काम ज़रूर बाकायदगी से करके देखिए और वो है अल्लाह ताला का शुक्र। मुंह से अल्फाज का इस्तेमाल करके शुक्र कीजिए एटलीस्ट 4-5 चीज़ों का जो अच्छी आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। ऐसा करने से आप नोट कीजिएगा कि आपके अंदर एक अलग किस्म की एनर्जी आप महसूस करेंगे, आपके दिल में सुकून आप महसूस करेंगे, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी, यहाँ तक कि वो चीज़ें जो आपको परेशान करती हैं या जो आपको खलती हैं वो भी अपना असर कम करने लगेंगी, यानी कि आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगी और धीरे धीरे आप अपने अंदर बहुत सारी तब्दीली महसूस करेंगे और आपकी ज़िंदगी बेहतर होने लगेगी। शुक्र में बहुत पावर है, इस पावर का सही इस्तेमाल कीजिए। और फिर जब हम सुबह उठते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह को अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी खुश होता है और यही हमारी ज़िंदगी का असल मकसद होना चाहिए, अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल करना। तो सुबह उठते साथ ही शुक्र से आगाज़ कीजिए और फिर देखिए आपका दिन कैसे एनर्जेटिक और मज़ेदार गुजरता है। आ जाते हैं हमारे आज के शो पर। हमारे आज जो गेस्ट हैं वो मुझे लगता है बहुत यंग एज में शेफ़ बन गए थे और इन्होंने बाहर से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, फिर वो यहाँ आए और उन्होंने कोर्स वगैरह किए, डिप्लोमा किए और अब बाकायदा शेफ़ की हैसियत से हमारे शो पर ये आए हैं। एंड आई एम श्योर, मुझे ऐसा लगता है कि एवरी शेफ़ हैज़ अ स्टोरी, तो इनकी भी कोई ना कोई कहानी होगी जिसकी वजह से वो आज एक शेफ़ की हैसियत से हमारे शो पर आई हैं। आइए ज़रा जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। हमारे साथ हैं शेफ़ राफे। अस्सलाम वालेकुम राफे, कैसे हैं आप? ठीक, आप कैसे हैं? वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। थैंक यू राफे। वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ आप मुझे कुछ अपने बारे में बता रहे थे, ज़रा सबको बताइए कि आपने अपनी पढ़ाई जो है वो यूके में की है जी, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ कैसे आ गए और शेफ़ कैसे बन गए, वो भी डिजिटल मार्केटिंग जी। हाँ जी, तो जब मैं यूके से वापस आया था कोविड के पीरियड में, अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि उस टाइम पे मैं अपना वेट रिड्यूस कर रहा था। अच्छा, खुद ही खुद हो रहा था? खुद हो रहा था। अच्छा, तो इस तरह मेरा कुकिंग में इंटरेस्ट डेवलप हुआ क्योंकि मैं अपने लिए खाना खुद बनाता था। अच्छा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बेकिंग की तरफ गया। हाँ। तो जब वो बेकिंग की तरफ गया, जब मैंने आसपास जो मेरे रिलेटिव्स वगैरह थे उनको खिलाया तो उन्होंने बोला कि तुम अपना बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते। अच्छा, इतना अच्छा आप बनाने लग गए जी, ये वीडियोस वगैरह देखकर जी। अच्छा, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी खुद की रेसिपीज़ भी डेवलप करना शुरू की थी, तो उसके बाद मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। अभी भी मेरा वो होम बिजनेस है। अच्छा, ऑर्डर्स वगैरह भी ले रहे हैं? ऑर्डर्स वगैरह भी लेता हूं। अच्छा जी, इट्स कॉल्ड, और बेकिंग की उसमें ही आपने किया ज़्यादा जी फोकस? जी ठीक है। तो जो होम बिजनेस है वो भी अलग चल रहा है, बेकर ऑन अ ब्रेक नाम है उसका। क्या नाम है? बेकर ऑन अ ब्रेक। बेकर ऑन अ ब्रेक जी, बिकॉज जब मैंने शुरू किया था तो मैं बेसिकली यूनिवर्सिटी से ब्रेक पे था। अच्छा ठीक है, तो और बेकर हैं आप जी? अच्छा ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर एक साल बाद मैं स्काफा गया था, लाहौर में है। अच्छा, मैंने अपना डिप्लोमा वहाँ पे किया था। ठीक है, फिर मैं जब वापस आया तो मैं यहाँ पे एक जापानीज रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया था मैंने, एज द हेड पेटिसियर। उसके बाद फिर मैंने वहाँ एक साल काम किया और अब मैं एक कोरियन रेस्टोरेंट फेज 8 में ही है, नायरॉक नाम है, वहाँ पे हेड शेफ हूँ। अच्छा, वेरी गुड भाई, छोटी सी उम्र में आपने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया। वॉज इट सम काइंड ऑफ पेन इन योर लाइफ जिसको आपने अच्छे से चैनलाइज किया और एक पॉजिटिव की शक्ल में आपको ये एक मिला है प्लेटफॉर्म? बेसिकली बेकिंग वॉज ऑलवेज थेरेपेटिक, सॉरी थेरेपी की तरह थी, बिकॉज I have been fat shamed for like 19 years of my life. अच्छा, तो उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए जब मैं बेकिंग करता था वो एक तरह से मेरे लिए थेरेपी थी। अच्छा ठीक है, तो इस तरह जी, तो यू नाउ एंजॉय इट? आई लव दिस। कहते हैं ना कुछ ऐसी चीज़ें, कुकिंग हो, बेकिंग हो, ये स्पिरिचुअली भी आपको बड़ा हील करती है। तो राफे आज हम क्या सीख रहे हैं, हम चलते हैं किचन की तरफ ताकि कुछ शुरुआत करनी है तो हम कर डालें। एक घंटा है हमारे पास, दो रेसिपीज मेरे हाल से आप सिखा रहे हैं हमें जी। आज हम बना रहे हैं कोरियन बीफ विद स्टीम राइस, ठीक है, क्यूकम्बर एंड लेमन कूलर। अच्छा, और उसके साथ ही हम बना रहे हैं फ्लेमिंग हॉट स्लाइडर्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या कर रहे हैं? सबसे पहले मैंने राइस बॉईल होने के लिए यहाँ पे रख दी है, मैं इसकी आंच तेज कर दूंगा। अच्छा, और ये राइस किसके लिए बॉईल हो रहा है? ये राइस हो रहा है कोरियन बीफ के लिए, ये हमारे कोरियन राइस ही है। अगर आपने कोई मैरिनेशन करनी है तो वो हम कर लेते हैं क्योंकि फिर ब्रेक का टाइम आ जाएगा। ठीक है, जब तक हमारे राइस बॉईल हो रहे हैं यहाँ पे हम मैरिनेशन
कर लेते हैं, दे देती हूँ इनकेस अगर आपको चाहिए। अच्छा ब्लेंड करेंगे जी। ओके मैरिनेशन में जो है हमारा हाफ चॉप्ड अनियन जाएगा। ठीक है ठीक है, वो भी ग्रीन अनियन है ना जी, हरी प्याज। ग्रीन अनियन ठीक है। 1 tablespoon गार्लिक पेस्ट। ठीक है। थ्री टेबल स्पून हमारे जाएंगे ब्राउन शुगर के। ठीक है। ये कहाँ से सीखी रेसिपी राफे? ये रेसिपी मैंने खुद जो है बनाई थी, खुद क्रिएट की। अच्छा, हरी प्याज, ब्राउन शुगर, गार्लिक पेस्ट, तकरीबन और ये है ब्लैक पेपर। ठीक है ठीक है, तकरीबन 2 teaspoon हमारे ब्लैक पेपर के जाएंगे। ठीक है। 3 tablespoon हमारे सेसमी ऑयल के जाएंगे। सही है। 1/2 teaspoon चिकन पाउडर। ठीक है। 80 grams हमारी सोया सॉस चाहिए। अच्छा, ये नॉर्मल लाइट सोया सॉस। ठीक है। सोया सॉस गया, सेसमी ऑयल गया, चिकन पाउडर गया, ब्लैक पेपर, ब्राउन शुगर, गार्लिक पेस्ट और हरी प्याज का वाइट हिस्सा, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और बीफ को मैरिनेट करेंगे। बीफ को मैरिनेट करेंगे। ठीक है। तो जी हमारे एक ब्रेक का भी वक्त आ गया, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद यहीं से आगे क्या करेंगे राफे। और मुझे अच्छा लग रहा है कि राफे आज आए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये कोई मसाला पर शो आराम से कर सकते हैं। हाँ, आपके पास लुक्स भी हैं, टैलेंट भी है। आगे आगे खैर देखते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आज हमारे साथ हैं शेफ राफे और इनकी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 105 कितना, 105 केजी जी, 105 केजी से आप कितने हैं आप? 55 जिद पर आ गए थे हैं वज़न कम करने पे, और आपकी हम स्टोरी ज़रूर सुनेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें बता दें। एक तो हमने मैरिनेशन कर ली, मैरिनेशन कर ली हमने बीफ की, अब हम जो है अब चिकन स्लाइडर्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसको हम थोड़ी देर रखेंगे, इसको हम थोड़ी देर रखेंगे। ठीक है, सही है। ठीक है, हम आज बनाए फ्लेमिंग हॉट चीटो स्लाइडर्स। ओह, इसके लिए हमने ले लिया अराउंड 2 packets कॉर्न चिप्स मिलते हैं लंबे लंबे, आप लोकल भी ले लें, बाहर के भी ले लें। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले लिए फ्लेमिंग हॉट चीटोस। ठीक है। अच्छा, ये फ्लेवर कौन सा है? ये हॉट स्पाइसी वाला, हॉट स्पाइसी फ्लेवर है। ठीक है, अच्छा आइडिया है। हाँ, काफ़ी दिमाग चलता है आपका इस पे। इसके अंदर हम लोग डालेंगे अराउंड 2 teaspoons ऑफ कायन पेपर। ठीक है, कायन पेपर ना हो तो हम तो आप रेड चिली फ्लेक्स यूज़ कर लें, रेड चिली पाउडर यूज़ कर लें, और साथ में थोड़ा सा लेमन सॉल्ट। अच्छा ठीक है, पेपर चला गया। इसको हम साथ चूरा बना लेंगे जी। ओके, ये कोट करके आप इसको फ्राई करेंगे। ये कोट होगा। ओके, देखो जी, इस चीज़ से हमने तो क्रम्स और मैदा कॉर्नफ्लेक्स तक किया है, लेकिन ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आज दो हमारी जो कुक बुक्स हैं स्पेशली डिज़र्ट लवर्स के लिए, तो वो ज़रूर शामिल हों, उनको हम ये अपनी डिज़र्ट की जो कुक बुक है वो देंगे। दो बुक्स हैं, किसको मिलनी है, किसको चाहिए, उसके लिए आप हमें कॉल कीजिए, SMS कीजिए। मुझे ये बीफ का भी आपका, अच्छा ये बीफ के बाय द वे, ये टेंडरलियन जो बीफ होता है उसके आपने स्ट्रिप्स काटे हुए जी, और वो हमने मैरिनेट कर दिया, जो मैरिनेशन पीस को हम लोग पार्शेस बोलते हैं। क्या कहते हैं? पार्शे। पार्शे, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, ये बन गया चूरा, अच्छे से इसमें फ्लेवर आ गया। अच्छा आइडिया है ये, है ना, और काफी स्पाइसी है, नाक में ना चढ़ जाए उसका स्पाइस। तो कैसे आना हुआ हमारे शो पर, ख्याल कैसे आ गया आपको? मुझे हम याद कैसे आ गए आपको? स्क्रीन पे मुझे आने का वैसे ही शौक है बहुत। अच्छा, अच्छा जी। अच्छा, इसी के अंदर हम लोग जो है 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर डाल देंगे। ठीक है, उसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने चिकन की तरफ आते हैं, तो चिकन जो है हमारा ये
अराउंड हाफ के जी बोनलेस थाई है. ठीक है. अच्छा थाई पीस है. थाई पीस. ठीक है. ठीक है, क्योंकि थाई जो है वो ब्रेस्ट से ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ज़्यादा टेंडर होता है. ठीक है, तो ज़रा अच्छा रहता है. गलता भी बहुत अच्छे तरीके से, वो रेशा नहीं इसमें रहता. अच्छा, अभी इसकी मैरिनेशन है. इसकी मैरिनेशन है. ठीक है. ठीक है, हम इसके दो पीसेस कर लेंगे. अच्छा, सही है. और ये कोई सॉस के साथ सर्व करोगे? ये सॉस के साथ, ये हमारे इसके स्लाइडर्स बनेंगे, मिनी बर्गर्स जो होते हैं. अच्छा, डिफरेंट स्टाइल से सर्व हो रहा है. और मैरिनेशन में क्या है वो ज़रा दिखा दो ना हमें. जो हमारी मैरिनेशन है उसके अंदर हमारे जाएगा अराउंड 1/4 कप मेयो, जो आपकी रेगुलर मेयो है. ठीक है. थोड़ा सा सॉल्ट. सही है. और ये कोई सॉस है, ये भी मैं यहाँ रख दूँ अगर आप? जी, थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा. अच्छा, मेयोनीज है, नमक जी, है, ब्लैक पेपर, और इसमें भी हम डालेंगे कायन पेपर. अच्छा, इसमें ऑप्शनल जो है वो है गार्लिक पेस्ट जो मैं डालूंगा क्योंकि उससे फ्लेवर एनहांस हो जाता है. अच्छा, लेकिन अगर आपको नहीं डालना तो हाँ, आप लोग बेशक स्किप भी कर सकते हैं. ठीक है. ठीक है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. तो ये इसकी मैरिनेशन है. ये मैरिनेशन. अच्छा, है. अच्छा, इसी में क्योंकि हमें जो है बाइंडिंग एजेंट भी कोई चाहिए जो हम चीटोस के साथ भी. ओके, तो कोई अंडा शंडा मैदा नहीं इस्तेमाल कर रहे. मेयोनीज के साथ उसको हम चिपकाएंगे. जो वो आपको ये चाहिए प्लेट या बोल चाहिए? बोल भी है. प्लेट में हम इसको रखते रहेंगे. हाँ, वेरी नाइस भाई, बिल्कुल डिफरेंट आपकी ये रेसिपी है राफे जी. घर वाले तारीफ करते हैं? बहुत. बहुत मेयोनीज में डाला काली मिर्च, कैन पेपर और गार्लिक, और गार्लिक पेस्ट. ये इसकी मैरिनेशन है चिकन की. हाँ, तो जी ये एक 105 केजी से अब आप जो आए हैं वो क्या इसके पीछे क्या डाइटिंग की थी हार्डकोर, या फाके किए थे, या एक्सरसाइज की थी, क्या किया था? एक्सरसाइज भी की थी. हाँ. थोड़े बहुत फाके भी शुरू शुरू में किए थे. हाँ. मगर वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि उससे हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रही है. हाँ. तो आहिस्ता आहिस्ता फिर खाना पीना शुरू किया. हाँ. लोगों ने बड़ा तंग किया आपको, है ना? बहुत बोल बोल के. देखें जरा, लोगों को चैन नहीं है वैसे, यही पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना करने का. कॉलर हमारे साथ है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, कट गई लाइन. चलें जी, कोई बात नहीं सर जी. ये अच्छे से मैरिनेट कर दिया आपने. ये अच्छे से हमारा कोट हो गया. ठीक है, अब हम इसको हमारे चीटोस का हमने मिक्सचर बनाया था. ठीक है, उसके अंदर एक कोट करके को साइड पे रखते रहेंगे. स्पाइसी फ्लेवर का आपने लेना है वो जो कॉर्न चिप्स होते हैं लंबे लंबे, कोई भी लोकल कंपनी के, बाहर के भी ले सकते हैं. और उसको हमने बिल्कुल चूरा कर लिया कायन पेपर डाल के, कायन पेपर डालकर. और ये कोट के लिए तो कलर भी बड़ा मज़े का आएगा इसको. इसका ये डीप फ्राई करोगे राफे? जी. अच्छा, ये डीप फ्राई होगा. फरजाना की कॉल है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम फरजाना. वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, बहुत मज़े में, अल्लाह का शुक्र है. आज माशाल्लाह से जो शेफ राफे आए हैं बड़ी डिफरेंट रेसिपी बना रहे हैं. बहुत. हाँ, देखें, मैरिनेशन अलग, कोटिंग अलग. जी, जब जितने भी शेफ आए हैं ना उनमें से ये सबसे डिफरेंट है थोड़े. क्या बात है राफे, बस शो पक्का है आपके लिए. मसाला पे हंस रहे राफे, समझ रहे, मजाक कर रहे हैं. इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं. हाँ, नहीं बिल्कुल अलग. मेयोनीज के साथ ये चिपकाने के लिए यूज कर रहे हैं. और ये जो नहीं, अच्छी बात है. अच्छा, डिफरेंट होना चाहिए ना. बिल्कुल बिल्कुल. आप दिन का आगाज आप उसी तरह कीजिएगा जैसे मैं आज कह रही थी कि शुक्र कीजिएगा अल्लाह का. जी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी और मैं बैठी हुई थी, तो मैं इनका प्रोग्राम थोड़ा देख के ना थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी हो रही थी. हाँ, नहीं नहीं अच्छा है इसी तरह से ये देखें और अच्छा अच्छा फील करेंगी. बिल्कुल नई रेसिपी है मेरे लिहाज से तो. और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है, आप बहुत अच्छा शो करते हैं. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आपका नाम शामिल कर दिया है. आज हम डिज़र्ट की कुक बुक दे रहे हैं, मसाला की जो स्पेशल डिज़र्ट्स से भरी हुई जो है वो बुक है, वो हम आज अपने व्यूअर्स को, कॉलर्स को
ज़रूर देंगे जो भी विन करेगा। अच्छा, इसको हम कोट करने के बाद अब मेरे ख्याल से जो ब्रेक आएगी उसमें हम मेरे ख्याल से दोनों की फ्राइंग शुरू कर दें। जी, जो बीफ के हैं वो भी डीप फ्राई होंगे? नहीं, बीफ जो है वो स्टर फ्राई होगा थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस के साथ, जो मैंने जूलियन यहाँ पे कट किया है। ठीक है, ठीक है। और जो है वो स्लाइडर्स जो है हमारे वो डीप फ्राई होंगे। अच्छा, और इसके साथ कोई और सॉस बननी है? इसके साथ एक स्पाइसी मेयो बनेगी जो हम अभी बना लेते हैं ब्रेक से पहले। हाँ, ब्रेक से पहले ही बना लेते हैं। और वो उसमें कुक नहीं होना है ना? उसमें कुक नहीं होना, मेयोनीज में ही कुछ मिक्सिंग है। एक कॉलर है, शाहीन। अस्सलाम वालेकुम शाहीन। हेलो शाहीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। है ना, यही है ना शेर? खुशाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। हाँ हाँ, शुक्र है। नहीं तेरा शेमन कसरत सुल्तानी के गुंबद पर। बिल्कुल, मेरी तबीयत खराब हो गई लेकिन फिर भी आपका टैलेंटेड शेफ देख के ना उठा नहीं गया, उठा दिया। मैंने फोन, हाँ मैंने फोन इसीलिए किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा शेफ आज आए हैं आपके, ये बहुत यंग एंड वेरी टैलेंटेड में जॉब करते हैं। ये कहाँ है ये बता दें मुझे, कराची में। अभी बताती हूँ, कोरिया जाने का और कोरियन खानों का बहुत शौक है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं जरूर। हाँ, मैं अभी सारी डिटेल लेती हूँ, ये किधर काम कर रहे हैं, कहाँ ये आपको मिलेंगे और इनके हाथ का खाना। बहुत टैलेंटेड लग रहे हैं और आपका प्रोग्राम तो खैर है ही अच्छा। मैं इससे पहले भी मैं उम्मीद आयला के नाम से कॉल कर चुकी हूँ आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है सैयद जी, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको और ताकत दे और सेहत दे। थैंक यू। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम आ गया। अच्छा, ये है मेयोनीज और हॉट सॉस है, और हॉट सॉस है बफलो हॉट सॉस, बफलो फ्लेवर की, तो एक बारबेक्यू फ्लेवर की हॉट सॉस मेयोनीज के साथ। ये हम सर्व करेंगे चिकन को। हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक में हम इसको डीप फ्राई करना शुरू करते हैं और बीफ को भी सौते करना शुरू करते हैं ग्रीन अनियंस के साथ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, आपकी हम मुलाकात हमारी आज की एंटरप्रेन्योर से कराएंगे जो कि कैंडल एक्सपर्ट हैं, कैंडल्स बनाती हैं। अगर आपने भी कुछ लेनी है सेंटेड कैंडल्स और हार्मलेस कैंडल्स तो आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे, इस ब्रेक के बाद पता चलेगा। बैग बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अभी तो सिर्फ सौते करना शुरू किया है, फ्राई करना शुरू किया है। आई एम श्योर इसकी शक्ल भी बहुत मज़े की होगी और जायका भी। अच्छा, यहाँ पे डीप फ्राई कर रहे हैं चिकन को जो मैरिनेट किया था और फिर वो चिप्स का जो चूरा था उसके साथ, और यहाँ पर बीफ को हमने डाल दिया शैलो फ्राई सौते करें। ये थोड़ा सा गल जाएगा जी, तो फिर आप इसमें हरी प्याज डालेंगे जो उसका हरा हिस्सा है, क्योंकि वाइट हिस्सा तो हमने मैरिनेट किया था पेस्ट बना के। अभी सिर्फ ये काम हो रहा है ना, और तो कुछ इंग्रेडिएंट नहीं जाना। ठीक है, और बीफ को सर्व करेंगे राइस के साथ। जी, स्टीम राइस के साथ। स्टीम राइस के साथ। इसके लिए हमने सॉस बना लिया है चिकन के साथ, ये बफलो हॉट सॉस एंड मेयोनीज मिक्स किया है। थोड़ी सी ट्राई करूँ तो बीफ बर्गर के साथ मज़ेदार लगे, बहुत हॉट है। मुझे तो लग रहा है कि ये भी बहुत हॉट होगा। नहीं, इसका इतना फ्लेवर नहीं होता, ज़्यादा हॉट जो है वो सॉस ही होती है। सिर्फ एक बफलो सॉस मिक्स किया मेयोनीज के साथ, मज़े का इसमें वो आ रहा है फ्लेवर प्याज और उसके साथ ना ये बर्गर में बहुत अच्छा लगे। अच्छा राफे, जब तक आप ये अपनी फ्राइंग कर रहे हैं, सौते कर रहे हैं, ड्रिंक हम आपसे बाद में सीखेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक गेस्ट मौजूद हैं, वो हमारी आज की एंटरप्रेन्योर है और कैंडल्स बनाती हैं, कैंडल्स देती हैं, ऑनलाइन अपना बिजनेस कर रही हैं। आइए ज़रा इनसे डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। फॉर अ मोमेंट में एकदम से नाम भूल गई थी उसका। हाँ जी रिदा, फर्स्ट टाइम आ रही हैं आप हमारे शो पर। रिदा क्या कर रही हैं आप, ये इतनी प्यारी प्यारी कैंडल्स बना रही हैं, कब से स्टार्ट किया आपने ये बिज़नेस और क्यों किया? मैंने स्टार्ट किया था कोविड के टाइम पर, जब रमजान बहुत फायदा दिया है लोगों को। जब रमज़ान थे तब। अच्छा। बस ऐसे ही मेरा दिल चाहता था कि मैं सेंटेड कैंडल्स खरीदूं, और मैंने एक्चुअली अपनी मम्मा से विश की थी कि मुझे ना अपनी बर्थडे पे सेंटेड कैंडल्स चाहिए। अच्छा। और उन्होंने मुझे ला के दी, लेकिन मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुई थी क्योंकि वो सेंटेड नहीं थी। हाँ, वो जलाओ तो खुशबू नहीं आती होगी। तो फिर मैंने काफ़ी रिसर्च की और फिर मैंने सोचा मैं खुद ट्राई करती हूँ बनाना, बिकॉज आर्ट एंड क्राफ्ट का मुझे शुरू से शौक था। अच्छा, तो फिर मैंने जो है ट्राई की, फिर मैंने सामान मंगवाया, और जब मैंने ट्राई की तो मैंने सोचा कि
मैं तो ये बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। और क्या? और फिर मैंने बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन की और फिर डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस के साथ, और फिर मैंने सोचा कि इसकी डिमांड भी है और लोग चाहते हैं सेंटेड कैंडल्स, और अच्छी कैंडल्स चाहते हैं वो। और मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट फेस हुई थी वो किसी और को फेस ना हो, तो फिर मैंने एज अ बिजनेस स्टार्ट किया। तो रिदा, क्या आपके पेज का नाम है जहाँ पर ऑर्डर्स वगैरह आप लेती हैं? मेरे पेज का नाम सेंटल्स है, SCENTLES, सेंट और कैंडल्स का सेंटल्स जी। अच्छा, सेंटल्स नाम सोचना भी तो फिर एक आर्ट होता है ना। सेंटल्स के नाम से फेसबुक पेज है, इंस्टा पर हो आप? फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर हो। और उसमें फ्रेग्रेंस कितने किस्म की कैंडल्स हैं जो आप बना रही हैं, और क्या प्राइस है ये ज़रा हमें बताएं और दिखाएं। मेरे पास 10 वेरिएंट्स हैं फ्रेग्रेंसेस के डिफरेंट, जिसमें से 4 प्रीमियम हैं। अच्छा। जो लेवेंडर और ऊद बखूर और पोयम, जो परफ्यूम के जैसी ये खुशबू होती है। अच्छा, तो मेरे पास 4 प्रीमियम हैं और 6 जो हैं नॉर्मल रेगुलर फ्रेग्रेंसेस, और 4 डिफरेंट साइजेस में मेरे पास। बहुत मज़े का लेवेंडर स्मेल है इसमें, और पर्पल कलर का है। और ये कितने, इसका कोई आर टाइम होता है कि इतने घंटे ये चल सकती है? इसकी बर्न टाइम साइजेस पे डिपेंड करता है। ये 4.5 होता है, तो ये अगर आप कंटिन्यूसली चला के रखें तो 35 आवर्स तक आराम से चलेगा। अच्छा, और ये कौन सा है? ये पोयम है, जो एक लैनकॉम के परफ्यूम पे बेस्ड है। हाय, कितने मज़े की स्मेल है, बहुत मज़े की है। ये खुशबू आप कैसे खुद ही वो सोचती है बनाती हो? मैं सप्लायर से लेती हूँ, बाकी कैंडल्स मैं पूरी स्क्रैच से खुद ही बनाती हूँ, वैक्स वगैरह सब मिक्स करके। और इनकी प्राइस तो बताओ ना। प्राइस रेंज में भी है, 900 से शुरू होती है 4.5 आउंस वाली, और फिर 1600 तक जाती हैं। और ये छोटी छोटे साइज में है? ये 6 आउंस का 10 है। अच्छा, और ये क्या है? ये कैरामल क्रंच है, तो मीठी। राफे, कैंडल्स का शौक है आपको? लड़कों को कहा होगा कैंडल्स का शौक। बहुत मज़े की है, आपने कहा 900 से स्टार्ट है एंड देन 1600 तक। 1600 बहुत सस्ती है यार, ऐसा नहीं करो। तो आप अभी अगर ख़रीदना चाहते हैं तो सेंटल्स पर जाइए, इनका पेज है। और ये रेड रोज सब बहुत अच्छी है। रिदा, आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरी फेवरेट मुझे स्ट्रॉबेरी भी पसंद है, वो मिलाई नहीं हूँ अभी, और लेवेंडर ऑब्वियसली। और ये ब्लू क्या है? ये पोइट्स जैस्मिन है, मोतिया की जैसी खुशबू है इसमें। कलर्स भी आपने इसमें डाले हुए ना, तो वो अच्छा लगता है, कुछ लोग मैचिंग करना चाहते हैं। सब बहुत अच्छा, कोई लेकर आती तो जलाते हैं यहाँ पर खुशबू। जला लें आप इसमें से कोई भी? हाँ, कोई एक जलाते हैं ज़रा, हम तो खुशबू ज़रा एक घंटे में फैलती है खुशबू, एक घंटे में फैलेगी, और फिर बंद करो तो और ज़्यादा वो फैलती है ना उसका। और जब एयर कंडीशन रूम होता है तो ज़्यादा अच्छे से वो स्प्रेड होती है। एयर कंडीशन चल रहा है अभी, हम चलाते हैं तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। रिदा आज हमारे साथ हैं, जो हमारी आज की एंटरप्रेन्योर हैं, कैंडल्स बनाती हैं और बहुत अच्छी सेंटेड कैंडल्स हैं। इनके हवाले से मज़ीद बातचीत करेंगे। आप लोग अगर जाना चाहते हैं इनका पेज विज़िट कीजिए, और ऑफ़ कोर्स अब तो आपके भी मुझे लग रहा है फेवरेट हो गए ये हमारे आज के शेफ़ राफे फुली इन्वॉल्व हैं, एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि आप जैसी रेडी करें मैं ज़रा ट्राई करूँ कि कैसी बनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपको बताऊं, इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन जो बफलो हॉट सॉस के साथ मेयोनीज का एक सॉस बनाया है, और ये जो हमने चिकन को डीप फ्राई किया था वो चिप्स का चूरे के साथ, वो जो फ्लेवर ब्लेंड हो रहा है ना दोनों का, स्पाइसी और बफलो वो बारबेक्यू वाला, बहुत मज़े का है। इसको राफे जो है वो सर्व करेंगे बर्गर्स के साथ, मिनी बर्गर्स के साथ, है ना जी? अच्छा, और ये बंस भी आपके खुद के बने हुए हैं जी, घर के बने हुए, बाज़ार के नहीं हैं। और ये बीफ ज़रा आप देख लें जो बनाया है, सिंपल, सिर्फ ऊपर से आपने सेसमी सीड्स के साथ उसको गार्निश कर दिया, एंड दिस इज़ रेडी। यस, ये वो बीफ बोल मिलता है ना, एक अंडा ऊपर से फ्राई करके तो वो डाल दो तो वो मज़ेदार सा बीफ बोल बन जाएगा, बहुत अच्छा। अच्छा जी, इससे पहले मैं दोबारा रिदा के पास जाऊँ, हम आपसे ड्रिंक सीखना चाहेंगे राफे, जो आप ड्रिंक बना रहे हैं क्यूकम्बर एंड लेमन के साथ है, और ये काफ़ी हेल्दी ड्रिंक लग रही है, रिफ्रेशिंग। इसमें हम थोड़ा सा अनार भी डालेंगे जो हमारा पोमेग्रेनेट होता है। ठीक है, ठीक है। उसके सबसे पहले तो हम लोग जो है थोड़े से शुगर को, ठीक है, थोड़ा सा पानी जो है, पानी चाहिए। साथ हम कितनी शुगर? तकरीबन 2.5 चम्मच। ठीक है, 2.5 चम्मच शुगर। ठीक है, 2.5 टेबल स्पून हमारे चले गए शुगर के, और इक्वल अमाउंट
पानी के ताकि वो घुल जाए। सही है। और इसमें हम क्या सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें हम लोग जो है एरेटेड कुछ जी स्पार्कलिंग वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पार्कलिंग वाटर अच्छा एरेटेड होना जरूरी मतलब एरेटेड है। इसके अलावा आप जो है सेवन अप भी यूज कर सकते हैं कोई भी बेसिकली वाइट ड्रिंक। ठीक है आपका ये जो शुगर मिक्सचर जब रेडी हो जाएगा तो आपने दो लेमन्स का लेमन भी बाहर वाले लेकर आए हो और आप है ना लाइम बड़े वाले जो होते हैं वो आपने इसका डालना है इसमें। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है हमारी कॉलर? जी ठीक ठाक। पिछले हफ्ते मेरी बात हुई थी बात कह रही हूँ और आज भी माशाल्लाह से अच्छे आपके शेफ आए हैं राफे जी। अच्छी लगी इनकी रेसिपीज आपको? जी रेसिपीज अच्छी लगी? जी वही मैं देख रही थी। वो देखने से ऐसे स्पाइसी लग रही बहुत मजे की है चिकन जो चटोज इन्होंने बनाया है तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनाया है इन्होंने। नहीं बहुत अच्छी और डिफरेंट रेसिपी आज राफे ने सिखाई है सबके दिल जीत लिए माशाल्लाह से। और ये है कि इनको और नेक्स्ट टाइम भी बुलाइएगा आप इनको। अरे आप कहें तो एक शो ही दे देते हैं अलग से। हाँ नहीं अच्छी बात है। वो जो कॉम्पिटिशन जो आपका चल रहा है तो वो भी मैंने कल देखा था तो वो भी अच्छा है माशाल्लाह से। चलो खासी आपकी चेंजिंग आई है। हाँ वही ना थोड़ा सा एक फन और एंटरटेनमेंट एलिमेंट आ गया। चलो हम इंजॉय करेंगे जरा कॉम्पिटिशन। फिर आगे देखेंगे जैसे फाइनल तक कौन पहुंचता है ना वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आज की रेसिपीज आप नोट कर लें और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जब तक ये ब्लेंड हो रहा है आपने इसमें थोड़े से अनार डाले लेमन तो स्क्वीज़ किया तकरीबन इसके अंदर मैंने 1/4 अनार डाला है और 1 क्यूकम्बर। सही है। और ये खीरा आपने डाला एंड दिस इज़ रेडी। ठीक है जी आ जाइए रिदा की तरफ। रिदा एक बार तो आप अपना दोबारा से ये बता दें कैंडल्स का किसी ने ऑर्डर करना है। बहुत रीज़नेबल कैंडल्स रिदा जो हैं वो बना रही हैं और हम बाज़ार में देखते हैं मार्केट में देखते हैं सेंटेड कैंडल्स जार्स में इतने महंगी 7-8 हज़ार की और वही चीज़ अगर आप छोटे साइज में रीज़नेबल तो ये आप बता दें ज़रा क्या है पेज का नाम? मेरे पेज का नाम सेंटर्स है और प्राइस रीज़नेबल इसी वजह से है बिकॉज कैंडल्स सेंटेड कैंडल्स एक लग्जरी कंसिडर की जाती हैं हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। बिल्कुल। तो द रीज़न वाई इट्स रीज़नेबल इज़ बिकॉज मैं देखती हूँ मेरे अपने फ्रेंड्स वगैरह होते हैं या छोटे बच्चे भी होते हैं वो किसी को गिफ्ट भी करना चाह रहे हैं तो सेंटेड कैंडल्स का शौक होता है लोगों को लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो द रीज़न वाई दे आर रीज़नेबल इज़ बिकॉज दैट सो दैट एवरीबडी कैन एक्सपीरियंस। अच्छा और दूसरी चीज़ ये ज़रा ये बंद हो जाए क्या कहते हैं अच्छा ये ड्रिंक जो बन रही है ना ये देखें साथ साथ आप ब्लेंड कर रहे थे और साथ साथ आप ये वाइट ड्रिंक या सोडा या स्पार्कलिंग वाटर इसमें डाल रहे थे। दिस इज़ रेडी राफे? यस दिस इज़ रेडी। अच्छा रिदा मुझे बता रही थी कि मेड टू ऑर्डर कस्टमाइज कैंडल्स भी आप बनाती हैं वो किस तरीके से लोग मतलब करते हैं आपको ऑर्डर क्या लोग इंस्टाग्राम पेज पे मेरे ऑर्डर करते हैं नहीं मतलब कुछ लिखवाते हैं क्या किस तरह से होती है कस्टमर तो वो मुझे बता देते हैं मतलब अगर किसी के लिए बर्थडे मैसेज लिखवाना है उन्हें हाँ। अक्सर अब एक ट्रेंड चला हुआ है स्पॉटिफाई कोड्स का तो लोग अच्छा। अपना मतलब गाना किसी को डेडिकेट करना है तो स्पॉटिफाई कोड जो है कैंडल लेबल मैं खुद ही डिज़ाइन करके फिर उस पर जो है प्रिंट हो जाता है वो तो लाइक किसी को आप कैंडल दे रहे हैं साथ में खुशबू भी है और फिर वो कोड स्कैन करके सॉन्ग भी जैसे ये जार पे आपने वो स्टिकर बना लिया या किसी ने नाम लिखवाना हो या स्पेशल कोई नोट मैसेज देना हो तो वो आप लिख के तो ये बहुत अच्छा है कि पर्सनलाइज एक जैसे कहते हैं ना आप अपने इमोशंस भी कैंडल्स की सारी स्मेल्स बहुत अच्छी मैंने कौन सी नहीं सूंगी वो दो कौन सी हैं दिखाना मुझे अपना रिदा ये ऊद है अरे ऊद और ये रोज ये अरबिक फ्रेगरेंस के बहुत अच्छी है ये 900 से स्टार्ट है ये वाली जो है प्रीमियम में फॉल करती है और 6 औंस की है तो क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस स्पेशल वो ये 1200 प्लस है बहुत अच्छी है बहुत। और ये वाली ये कैरमल क्रंच है ये रेगुलर है ये लवेंडर ये दे कौन सी नहीं मैंने सुन ली थी अभी आपने कौन सी ट्राई कर ली ये रोज़ है इसकी टिन में भी और ग्लास में भी अच्छा अच्छा ये वही वाली है रोज़ वाली है
ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको ग्लास जार में करते हैं, टिन में करवाना चाहते हैं, साइज कोई भी हो और फ्रेग्रेंस भी कोई भी चूज कर सकते हैं और कस्टमाइजेशन भी कोई भी चूज सही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया रिदा, आप आज आई हमारे शो पर, आई एम श्योर आप अच्छा काम कर रही हैं और हमारे शो पे आने के बाद आपको यकीनन फ़ायदा होगा और आप फ्लरिश करें बिज़नेस और इंटरनेशनली भी आप कैंडल्स जाएं, आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं सेंटल्स के नाम से एंड वेरी रीजनेबल एंड गुड फ्रेगरेंस कैंडल्स हैं। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं तो मज़ीद सर्विंग हम आपको ज़रा दिखा देंगे कि किस तरह से फ्लैटर राफे तैयार करें इस ब्रेक के बाद। कोरियन बीफ विद स्टीम राइस अज्जा, रिब आई स्लाइस बीफ 700 ग्राम, कटी प्याज आधी, प्याज स्लाइस आधी, कटी नाशपाती आधी, जूलियन हरी प्याज एक अदद, कटी हरी प्याज दो अदद, ब्राउन शुगर 3 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 80 ग्राम, तिल का तेल 3 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, तिल 1 चाय का चमचा। स्टीम्ड राइस के लिए कोरियन राइस 2 कप, पानी 2 कप। तरकीब, बीफ स्लाइस करें, ब्लेंडर में कटी प्याज, लहसुन, हरी प्याज, ब्राउन शुगर, काली मिर्च, सोया सॉस, नाशपाती और तिल का तेल ब्लेंड कर लें। अब इसे बीफ पर स्लाइस प्याज के साथ डालें और ढककर 30 मिनट मैरिनेट करें। तेल गरम करके बीफ फ्राई करें, कटी हरी प्याज और तिल छिड़कें, चावल उबालकर साथ सर्व कर दें। वर्जिन कुकम्बर एंड पोमीग्रेनेट गमलेट अज्जा, क्लब सोडा 1.5 ounce, स्लाइस खीरे 4-5 अदद, फ्रेश लाइम जूस 1 ounce, सिंपल सिरप 1 ounce, छिला अनार आधा। तरकीब, अनार को क्रश करें, तमाम अज्जा को बर्फ़ के साथ शेक करें, ग्लास में बर्फ़ डाल के सर्व कर दें, स्लाइस खीरे और अनार दाने के साथ सर्व करें। फ्लेमिंग हॉट चेटोस स्लाइडर्स अज्जा, फ्लेमिंग हॉट चेटोस 9 ounce, कॉर्न स्टार्च 2 खाने के चमचे, किन पेपर्स 1 चाय का चमचा, कोशर सॉल्ट आधा चाय का चमचा, स्किन लेस चिकन ब्रेस्ट 4 अदद, म्यूनीस 3/4 कप, तेल 1 कप। तरकीब, चेटोस को फूड प्रोसेसर में बारीक ब्लेंड कर लें। अब इसे जिप बैग में कॉर्न स्टार्च, कैन पेपर्स और नमक के साथ शेक कर लें। दूसरे जिप बैग में चिकन के पीसेस और म्यूनीस डाल के हिलाएं कि चिकन पर म्यूनीस से अच्छी तरह कोट हो जाए। स्किलेट पर तेल डाल दें, चिकन को चेटोस वाले बैग में डालकर मिलाएं, फिर स्किलेट पर दोनों तरफ से 8 मिनट फ्राई करके पेपर टॉवल पर निकाल लें। स्लाइडर बन में मेयो सॉस, चेटोस चिकन और चीज स्लाइस रखकर बन का दूसरा हिस्सा ऊपर रख के सर्व कर दें। मैं आपको बताऊं, इतनी कोई रिफ्रेशिंग है, खीरा और लेमन और कोई भी वाइट ड्रिंक चाहे डाइट में बना लें या, बहुत मज़ेदार है। और तो कुछ नहीं डाला था ना हमने, खीरा था और थोड़ी सी चीनी डाली थी, ना भी डालना चाहें अगर आप हनी से रिप्लेस कर लें, हनी से स्टीविया से कर लें, बहुत मज़े का है जी। और मैं आपको बताऊं, ये ज़रा देख लें, एक बन को इन्होंने ये मिनी बन्स में हमने ये सर्व किया है, इसमें जो चीज़ डाली थी उसको भी आपने एक शेप, सर्टन शेप देकर, और फिर मैंने कहा एक खुला रखना, ज़रा दिखाऊंगी लोगों को, अब आप बेशक उसको प्रॉपर बंद कर सकते हैं। बहुत मज़े की आज की रेसिपीज थी। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि हमारे जो दोनों गेस्ट हैं ना आज, बहुत यंग और बहुत टैलेंटेड एंड वेरी डेडिकेटेड। एंड थैंक यू रिदा, आपने मुझे ये गिफ्ट भी दिया, हमारी जो आज गेस्ट आई थी कैंडल का। एंड राफे, आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? आगे के ये कि मुझे अपना रेस्टोरेंट खोलना है, एक एक्सक्लूसिव पेटिस्ट्री खोलनी है। अब नेक्स्ट टाइम मेरा ख्याल से हम आपसे कुछ पेस्ट्री आइटम्स जरा सीख, जरूर है ना, बिकॉज यू आर अ पेस्ट्री शेफ बेसिकली, आप उसमें आपकी एक्सपर्टीज हैं, बट ये खाने भी आपने बहुत अच्छे बनाए और बहुत डिफरेंट, हमें मज़ा आया, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आया। सो होप टू सी यू अगेन ऑन मसाला चैनल, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, और ये था हमारा आज का शो। देख लें जी, इतने यंग एज में ये दोनों जो गेस्ट थे हमारे, बिलो 25 एज के, और अभी से जो है वो उन्होंने अपनी डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म दिखाया है अपने काम में, और इंशाल्लाह इनके पास तो पूरी लाइफ पड़ी है, बहुत आगे जाएंगे आप। ठीक है जी, हमारा शो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। सैटरडे को तो हमारा कॉम्पिटिशन चलेगा, और फिर संडे को हम मज़ीद आपको कुकिंग सिखाएंगे। हमारे आज के जो विनर्स, जो हम डिज़र्ट कुक बुक दे रहे थे मसाला की, वो गई है फरजाना को पिंडी से और होमा को कराची से। बहुत बहुत आपको मुबारक हो, मीठे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और ख़ुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाइएगा। बहुत सारा ख्याल और शुक्र करना ना भूलिएगा, सुबह उठते साथ ही आँख खुले अल्लाह ताला का लफ्ज़ों के साथ शुक्र कीजिएगा,
चार पांच चीज़ें गिन कर शुक्र कीजिएगा और आप देखें आपके अंदर, आपकी ज़िंदगी में, आपके पूरे दिन में कितनी अच्छी और पॉजिटिव तब्दीली आती है। खुदा हाफिज़।